300 200 200। अच्छा तो भाई यहाँ पर ना पूरा घना खतरनाक जंगल स्टार्ट हो चुका है। ओ भाई ये क्या है, कौन सा डियर है, भाग गया। समुन्द्र के किनारे आ गए ना, मतलब समुन्द्र के बिल्कुल पास। दीव 83 लेफ्ट साइड। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत आज के एक और नई वीडियो में। सुबह के 7 बज चुके हैं भाई, अभी उठे बस गया था बाहर मुँह हाथ धो के, फिर आया। मैंने सोचा सुबह वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर हमने वीडियो एडिट करनी है, क्योंकि रात आपको पता ही है हम कैसे परेशान हुए थे, इस चक्कर में रात वीडियो एडिट करनी पड़े। अब वीडियो एडिट करेंगे, उससे पहले आपको बाहर का व्यू दिखा दें सुबह का, और कहाँ पर कैंपिंग कर रखी है वो दिखा दें, ठीक है ना। चलो भाई, टिकल भाई उठ गया, गुड मॉर्निंग। नींद कैसी आई? मस्त आया, ठीक है, बढ़िया। सभी को नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। गर्मी था ना, उसका सही रहेंगे। पहले टिकलू भाई बोल रहा था ऊपर वाला कवर लगाएंगे, फिर मैंने बोला नहीं भाई यहाँ गर्मी रहेगी तो यहाँ ऐसा नहीं करना भाई, ठीक है। तो इधर दोनों भाई टेंट लगाए थे, इधर टिकलू भाई का, इधर मेरा, यहाँ साइकिल खड़े थे। फिलहाल बाहर से आपको अच्छे तरीके से दिखा देते हैं। ये वाला होटल था भैया जी का, नाम तो समझ नहीं आ रहा क्या है, बाद में बता देंगे। फिलहाल सुबह का कुछ ऐसा माहौल है, चिड़ियों की चहचहाट है, बड़े बड़े नीम के पौधे हैं और इन पर ना फूल आए हुए हैं, उनकी खुशबू है। इधर पंछी दाना चुग रहे हैं, मौसम हो रहा है भाई, देखना सूर्य देवता निकल चुके हैं, वो देखो ऊपर से दिख रहे हैं ना। तो इसके अंदर टेंट लगा रखा था, आराम से दोनों भाई सोए भाई। तो ठीक है भाई, अभी थोड़ी देर में ना वीडियो एडिट करते हैं, वीडियो का काम निपटाते हैं, पहले चाय पानी पियेंगे, ब्रश व्रुश करके चाय पानी पियेंगे, उसके बाद अपना वीडियो एडिट करेंगे, फिर वीडियो एडिट का काम निपटा के फिर यहाँ से निकल जाएंगे सोमनाथ की ओर। यहाँ से लगभग 60-65 किलोमीटर का सफ़र है, आराम से कर लेंगे। जंगल के अंदर से होके जाना है, शायद हमें शेर भी देखने को मिल जाए। ओ भाई चाय गिर गई होती भाई, तो चाय आ चुके, गर्मा गर्म ब्रश व्रुश कर लिया, मुँह हाथ धो लिया, पर रात नींद ज़्यादा आई थी, अभी तक आँखें ना ऐसी हो रखी है जैसे सूजी से होती है ना, चक्कर क्या है करीब तो नहीं। हाँ अब समझ आया, इधर ह्यूमिडिटी है वो, है ना, कैसी गर्मी, अलग तरह की गर्मी है, मतलब चिपी तो, चिपी सी वो है ना, स्किन वो हो जाता है, जैसे वो केरला में बताता है ऐसा ही तो वैसी है। फिलहाल सुबह की गर्मा गर्म चाय आ चुकी, चाय बड़ी मस्त बनाई है भैया ने। ये जो ढाबा है ना, ये वो पीछे जो ढाबा था ना जो रात छोड़ के हैं, ये आपस में भाई बंधु हैं, मतलब चाचे ताऊ या भाई भाई हैं, ऐसा कुछ है। यहाँ आगे अच्छे रह गए, टाइम से सो गए, शांति है, अब आराम से वीडियो एडिट कर लेंगे। और भाई मैं ना रात 4-5 बजे उठा हुए बाहर, मतलब जाने के लिए, तो भाई हौसला ना आए, मैं पहले ना टेंट खोला, पहले बाहर देखा अंधेरा ही अंधेरा, क्योंकि भैया बोल रहे ना अभी शेर इधर भी आ जाते हैं। फिर मैं आराम आराम से देखता गया उधर, टिकलू भाई उस तरफ गया मैं, और जिधर गाड़ी खड़ी है मैंने देखा, पहले ध्यान से आँखें लगा के भी कोई दिक्कत कहीं से आँखें तो नहीं चमक रही पर बाद में फिर आराम से जाके आ गया मतलब कुछ नहीं था, पर डर तो रहता ना, क्योंकि निक भैया बोल रहे यहाँ पर निकले आते हैं भी, यहाँ पर भी शेर आ जाते हैं, ठीक है। कुछ बोलने वाला था भूल गया कुछ बोलने वाला था भूल गया भाई, मैं बीच में बोल पड़ा ना, इसलिए हवा निकल गई बिल्कुल फुल भर लेना, आज जंगल क्रॉस करना है, कभी और निकल जाए और शेर हवा भरे हमारी करे पैकिंग निकले 10 बज गए, वीडियो कर निपट गई ना। चलो भाई भाई ये जो छकड़े से निकलते ना देख लो भाई, इनकी आवाज ट्रकों से भी ज्यादा होती है, बड़ी खतरनाक आवाज होती है, जब तक दूर तक नहीं जाते ना इनकी आवाज आती रहती है। तो भाई दोनों भाई का सामान पैकिंग करके साइकिल पर बांध दिया अच्छे तरीके से, खाना यहीं से खा के निकले, तो खाना यहीं से खा के निकल लेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर लगातार चलेंगे भाई। तो अभी ना 10:30 का टाइम हो चुका है अंदर, पता कि अभी खाना रेडी नहीं हुआ, 11 या 11 के बाद ही रेडी होता है। फिर हम सोच रहे हैं यहाँ क्या रुकेंगे, आधे घंटे में काफी सफर निकाल लेंगे, तो हम चलते हैं आगे। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद, चलते हैं, खाना लेट रेडी होता है, ठीक है। हाँ जी 10:30, ठीक है, धन्यवाद जी आपका बहुत यहाँ रुकने की जगह देने के लिए। चलो भाई, तो भाई आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है अपने सफरों की, 10:30 का टाइम हो चुका है भाई, और यहाँ से सासन गिर है 26 किलोमीटर ये लिखा है। हो भाई ऐसा कुछ माहौल है, हल्की हल्की बादलवाई सी हो रखी है ना, तो मौसम ठंडा ही है,
अब साइकिल चलाए ना, अब हवा लगी है शरीर को। और इधर खेतों में पानी लगा रखा है, पानी की अच्छी व्यवस्था है। तो ये वाला होटल था भाई, जहाँ से रात को हम वापस गए भाई। टिकलू आज मौसम अच्छा है ना, और आगे पहाड़ भी दिख रहे हैं, उनके अंदर से निकलना पड़ेगा। देखते हैं चल के, उनमें से निकलते हैं, साइड से निकलते हैं। सासन गिर 25 किलोमीटर, और एशियाटिक लाइन का साइन लगा है ना टिकलू, बब्बर शेर बोलते हैं, बब्बर शेर। इधर बाजरा काफी होता है, ये सारा बाजरा है, ये ऊपर सिट्टे सिट्टे देख रहे हैं आपको। तो यहाँ बाजरे की रोटी बड़े खाते हैं ना टिकलू भाई, रोटरो बोलते हैं बाजरों के, रोटरो। चारा भी है भाई, ये पशुओं को भी खिलाते हैं, हरा पशुओं को खिला दें, और अगर इसको पका कर ना बीज निकाल लें तो उसका फिर वो आटा बना लेते हैं। हमारे वहाँ पे होता नहीं है। हाँ हमारे होता है। अभी ये जो छोटा सा गांव आया ना, इसका नाम है जी मानपुर, वो सामने लिखा है भाई। वो सिंह देख टिकलू, वो भाई इस पर तो बंदा झूले झूल सके ना। वो सामने फिर से पहाड़ सा दिख रहा है, बट साइड में ही है, उसके ऊपर भी एक मंदिर बना हुआ है। इधर एक वाटर पार्क बनी हुई है, वेट एंड वाइल्ड, देखो भाई काफी लोग है भाई, काफी अच्छी और काफी बड़ी बना रखी है। गांव का नाम है जी कोडियार, काफी पीछे बोर्ड लगे रहते हैं ना, जैसे कोडियार इतने किलोमीटर, कोडियार इतने किलोमीटर, वो देखते आ रहे थे। कोडियार में पहुंचे, यहाँ एक ना हवा भरने वाली दुकान मिली, तो हमारे साइकिल के टायरों में थोड़ी थोड़ी हवा कम थी, तो हमने सोचा हवा भरा लेते हैं। कर दो भैया, हो नहीं रही। बस 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 भैया हो गया, बहुत है बहुत है। अभी ना हवा भरवा के निकल ही रहे थे, टिकलू इन्हें पीछे से आवाज लगाई है, अभी भैया बोल रहे रुको 2 मिनट। क्या हुआ टिकलू भाई, हैं? अच्छा अच्छा, तो भैया जी बोल रहे हैं नींबू पानी, नींबू शरबत पी के जाना। तो भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ गर्मी थोड़ी अलग सी है ना, तो पसीना ज्यादा आता है, तो देखना इतनी देर में पसीना आ गया भाई। तो भाई सफरों में इतने अच्छे लोग मिलते हैं, साइकिल में हवा भी भरी और साथ में पीने के लिए नींबू शरबत भी दिया। यहाँ पर आम के बड़े बड़े बाग है ना, तो यहाँ पर हमें आम का जूस देखने को मिला, ताजा ताजा। अपना बाग है जूस वाला? अच्छा अच्छा, किधर है? आगे ताजा है ना ये, दे दो एक गिलास। हाँ एक गिलास, 50 का एक गिलास। और बोतल कितने की है, एक बोतल कितने की है? 100 का, 500, 300, 200। अच्छा ठीक है, एक गिलास दे दो। अच्छा इसमें डाल के बना के देंगे भाई, वो प्योर है ना, तो इसमें थोड़ा बर्फ डालेंगे, वो ठंडा हो जाएगा, बढ़िया बन जाएगा। ये जी बता रहे ऑर्गेनिक है ना, खाद दवाई नहीं डलती इनमें ना। ठीक है चलो, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल। ओके, वो जो बड़ी है ना 2 लीटर वाली, वो 500 की, और ये कितने की? 160 की, 260, मतलब हाफ होगी, 1 किलो। ठीक है, 1 किलो वाला 260 और 2 किलो वाला 500 रुपए का। गया पिएगा नहीं? चलो भाई, ओरिजिनल है, प्योर है। तो भाई मैंगो जूस पी लिया भाई यहाँ से, जूस तो ठीक था, जूस उसमें कम था, बर्फ ज्यादा डाल दी भाई लोगों ने, तो इसलिए कुछ खास मजा नहीं आया, और 50 रुपए में गिलास दिया। ठीक है चलो कोई ना, ताजे ताजे थे तो टेस्ट कर लिया भाई। चलो भाई अब चलते हैं लगातार खींच के साइकिल को, और अपना सफर कवर करते हैं। इधर का कुछ ऐसा माहौल है, हरियाली है, चिड़ियों की हल्की हल्की चहचहाहट है, आम के बाग है, दूर दूर थोड़े थोड़े पहाड़ दिख रहे हैं। ये काफी बड़ा आम का बाग है, इस पे आम भी लगे हैं, बट ये आम तो कच्चे हैं, वो भाई बोल रहे थे ताजे हैं, ऑर्गेनिक है, तो कच्चे आम को कैसे पका लिया, अभी तो है भी छोटे छोटे हैं। तो भाई ये वाले बहुत साउंड करते हैं, बहुत ज्यादा। तो भाई यहाँ पर ना पूरा घना खतरनाक जंगल स्टार्ट हो चुका है, शायद एशियाटिक लाइन की टेरिटरी स्टार्ट हो चुकी है, जो मेन सासनगिर का जंगल है अभी। तो यहाँ पर
जान से निकलना पड़ेगा भाई, दोनों तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। वो आके हिरन निकला, वो बागा भाई हिरन निकल गया भाई वहां से। तो इधर जंगली जानवर मिलेंगे, बब्बर शेर मिलेंगे। कैमरे पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, जहां एकदम दिखा कैमरा ऑन करेंगे। लंका डैम, मधुवती डैम, ऐसा कुछ मैप में दिखा रखा है वो सामने वाला एरिया भाई। पानी पानी खड़ा ये डैम है, काफी अच्छा लग रहा है गिर के जंगलों में। चलो क्रोकोडाइल भी है इसमें, वो छापा हुआ क्रोकोडाइल। सासनगिर यहाँ से 18-19 किलोमीटर है, और जगह जगह यहाँ पर ना बोर्ड लगे हुए हैं भी, यहाँ पर शेरों का आना जाना रहता है, रोड क्रॉस होता है, थोड़ा ध्यान से रहें। ओ भाई ये क्या है, कौन सा डियर है? तो भाग गया है, कौन सा है? भाग गया भाई। तो वन्य प्राणी यहाँ दिखते रहेंगे भाई। टिकलू भाई मैंने गूगल पर चेक किया है भी यहाँ पर कितने एशियाटिक लायन है, कोई 250 लिखा है कहीं, कहीं 600 लिखा है, कहीं 220-230 ऐसे लिखा है, पक्का पता ही नहीं है ना, अनुमानित है। और एक दो वीडियो देखी थी उसमें बोल रहे 40-50 हजार ना हिरन है इधर डियर, ताकि शेर शूर खा ले अपना पेट भर ले, इसलिए वो किसी इंसान पर अटैक नहीं करते, क्योंकि उनके खाने पीने की पर्याप्त मात्रा ना, तो इसलिए बोलते अभी वैसे ज्यादा डर नहीं। अगर आ भी जाए ना शेर आगे कोई, तो रुक जाना आराम से निकल जाएगा। जंगल तो काफी बड़ा है पर उतना हरा भरा नहीं है। अभी फिर से जंगल तो खत्म हो गया, ऐसा कुछ एरिया आ गया इधर, ये रिसोर्ट से बन रहे कुछ। आपको दूर से दिखा रहा था ना अभी, आगे पहाड़ियां आएंगी, ये यहाँ पर आई है, साइडों में है, बीच में थोड़ी सी जगह, यहाँ से रास्ता बना हुआ है, थोड़ी सी चढ़ाई जरूर आई है बट ज्यादा नहीं है। और ये है जी नारायण उपवन। चलो अब शायद डाउन है, आगे फिर पहाड़ियां दिख रही है भाई, उनके ऊपर से फिर निकलना पड़ेगा। यहाँ फिर से ना कोई गांव आया है, यहाँ पर तो शेर ना मेरे को लगता है सारी रात घूमते फिरते रहते होंगे, इस गांव वाले तो अंधेरा होने के बाद ना बाहर निकलते ही नहीं होंगे। ये इधर भैया कच्ची अंबी बेच रहे हैं, हरी हरी कच्ची कच्ची खट्टी खट्टी अंबी। अभी ना यहाँ पर ये सारा सूखा सूखा सा पड़ा, जार जार से बना पड़ा है, बारिश के बाद ही ये एरिया देखने का भाई। पीछे एक और बोर्ड पर लिखा था भी अपने वहां से नीचे मत उतरे भाई, जंगली जानवरों का खतरा है। अगर ऐसे जंगल में साइकिल पंचर हो जाए और पंचर लगाते लगाते शेर ऊपर आके खड़ा हो जाए तो क्या होगा रिएक्शन कैसा होगा शेर का खतरनाक है ना भाई। यार चढ़ाई से क्यों आई जा रही है समझ नहीं लग रहा, पूरा जोर लग रहा है। अगर शेर आ जाए, जो स्पीड हमारी अभी 10 की है ना 100 की स्पीड हो जाएगी भाई। पसीना आके ना आंखों में चला गया, और चश्मे के जो शीशा है ना उसके ऊपर चश्मे उतार दिए भाई, कुछ दिख नहीं रहा। टिकलू मेरे को लग रहा है जो सासनगिर है ना, जो दिखा रहे कि 10-11 किलोमीटर, वो सेंटर पॉइंट है ना, उसके दोनों तरफ जंगल है, जैसे अभी हम जंगल से जा रहे हैं इतना ही जंगल उसके बाद मिलेगा ना, तो अभी बहुत किलोमीटर जंगल निकालना हमने। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भाई, ये देखो बब्बर शेर के ऊपर ना मूर्ति बना रखी है, मंकी बब्बर शेर उनके छोटे छोटे बच्चे। ये देखो यहाँ से एंट्री है शायद मेन सासनगिर की भाई, ये देखो फीमेल लायन। हो भाई फिर से चढ़ाई आ गई, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे गर्मी बढ़ती जा रही है। देख टिकलू हिरन है, क्या चीज़ है, हिरन ही है शायद, आपको दिख रहे होंगे वो, देखो वो वाले कलर भी उनका ऐसा ही है जैसे जंगल का कलर है ना वैसा ही है। जल्दी बना ले, यहाँ ज़्यादा रुकने नहीं देगा कोई है ना, फॉरेस्ट वालों ने देख लिया ना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे रुकना अलाउड नहीं है भाई। जब से वो गेट सा क्रॉस किया ना जहाँ पर शेर छपे हुए थे, उसके बाद रास्ता भी छोटा हो गया। तो भाई चलते चलते ना हमें कुछ दिखाई दिया, हमने सोचा आपको भी दिखाई देते हैं जंगल। ओ भाई 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 ये क्या होता भाई। तो भाई देखो वैसे तो इधर जंगली शेर बब्बर शेर आम घूमते फिरते हैं, यहाँ देखो कुछ भैंसें बैठी हैं, कुछ गायें बैठी हैं भाई, इन पर शायद अटैक नहीं करते होंगे। तो बाबा जी बैठे, बाबा जी राम राम, राम, राम क्या हाल चाल है?
हिंदी आती है? हिंदी हाँ। तो यहाँ शेर आता है? यहाँ शेर आता है? शेर नहीं आता? कहाँ तक आता है? आगे आता है? अच्छा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं? जानवरों को कुछ कहता तो नहीं वो? आता ही नहीं है? आप यही रहते हो? गांव कौन सा आपका? कहाँ है आपका गांव? गांव देश आपका? घर कहाँ है? घर घर कहाँ है? अच्छा, तो हिंदी कम आती है। ये गाय है? हाँ जी, हाँ। ये कुछ कहेंगी तो नहीं? कुछ नहीं कहेंगी? नहीं। और बाबा जी नहीं नहीं धन्यवाद। छोटी छोटी अम्बी हैं, साथ में खाना खा रहे हैं। तो मैं इधर आपको ये दिखाता हूँ, इधर कुआं बना हुआ भाई, पानी की व्यवस्था भाई दिखाता हूँ भाई। इतना पुराना देखो भाई, जैसे राजस्थान में कुएं देखते ना, सेम वैसे। चलो भाई, इस घनघोर जंगल में भाई, बाबा जी को हिंदी नहीं आती ना, तो इसमें ना मोटर डाल रखी है भाई, मोटर भी, और ये इसके साथ भी निकालते हैं। ये सोलर प्लेट लगी है ना, इससे मोटर चलती है और पानी बाहर निकालते हैं भाई। ये देखना यहाँ पर वो मोटर लगी हुई है छोटी सी, ये वो देखो साइड में वो लगी, वो मोटर चल रही है छोटी सी, थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर निकलता रहता है। तो यहाँ पर ये पानी की ऐसी व्यवस्था इस जंगल में, सोलर प्लेट लग रही है, इसके साथ चलता भाई, और यहाँ से पानी बाहर निकलता। इंजन भी है पुराने टाइम का, इंजन भी लगा रखा है, इंजन तो बंद है पर वैसे ये पाइप लगा है ऐसे। तो भाई देखना यहाँ पर ये बाबा जी अकेले बैठे हैं, बाबा जी को हिंदी नहीं आती है ना, तो कोई अच्छे से बात नहीं हो पाई। ठीक है फिलहाल ऐसा कुछ, हाँ पानी मोटर चल रही है तो ऐसा कुछ है, अभी चलते हैं फिलहाल यहाँ से। अब बस ना कोई खाने की दुकान मिल जाए भाई, और भाई यहाँ बिल्कुल हवा नहीं, बिल्कुल सुनसान सा ना, तो यहाँ गर्मी और ज़्यादा लग रही है। ये तो यहाँ से ना गाड़ियाँ निकलती रहती हैं, तो उनकी आवाज़ें आती रहती हैं, अगर ये गाड़ियाँ ना निकलें फिर ऐसा सुनसान लगेगा भाई। रास्ता ही छोटा सा है, दो गाड़ियाँ आपस में जब क्रॉस होती है ना, तो एक गाड़ी को नीचे उतरना पड़ता है मेन सड़क से, और जब बड़ी गाड़ी आ जाए फिर हमें उतरना पड़ता है भाई। आगे लग रहा है कोई छोटा मोटा गांव आया भाई, ये गांव वाले ठीक है भाई, इनको जंगल सफारी के पैसे भी नहीं देने पड़ते होंगे शेर चीते देखने के लिए, क्योंकि इधर तो आम गलियों में घूमते फिरते होंगे। हाँ आराम भी करते, चाय पानी भी पी लेंगे भाई। हो भाई, तो इधर साइकिल लगा दी है पीछे, तो ये गांव सूरजगढ़ है ना भैया, ये गांव का नाम सूरजगढ़ है। यहाँ शेर शुर आ जाते हैं रात में डेली, देखिए कभी कुछ नहीं कहते करेंगे तो, अच्छा छेड़खानी करेंगे तो, वैसे कुछ नहीं बोलेंगे। मेरे को ना लाहौरी जीरा दिखाई दिया जो हमारे उधर होता है, मैंने बोला भैया को वो दे दो एक, क्योंकि चाय है नहीं है, लाहौरी जीरा ज़्यादा नुकसान नहीं करता। ये वाला होता है इधर हलारी जीरा है, हमारे लाहौरी जीरा बोलते हैं इसको, सेम ऐसा होता है। तो अभी ना यहाँ बैठ के ना हम जीरा पी रहे थे, तो अभी अपने सासनगीर से एक भैया मिले। भैया जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम भैया आपका? जय भाई। जय भाई, और भाई जी बोल रहे हैं आगे के ना होटल है, क्या नाम उसका? खोड़िया होटल है। खोड़िया होटल, भैया जी बोल रहे वहाँ पर मैंने कॉल कर दिया, तो वहाँ खाना खा के जाना। तो भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नहीं भैया, तो हम लोगों का धर्म है। वो तो बात सही है, तो धन्यवाद आपका भैया जी बहुत बहुत। ठीक है, तो वहाँ चल के आपका नाम मतलब आपने बात करवाई दिया? मैंने बस गढ़वी भाई बोल देना। ठीक, गढ़वी भाई। गढ़वी भाई, ओके ओके भैया, धन्यवाद भैया आपको। ये देखो भाई, ये सारे जंगल सफारी करके आए हैं, उधर से आते हैं और सारा जंगल घूमते घूमते, पीछे जिधर से हम आए ना रास्ते से बने हुए थे ना, जहाँ पर हम कई जगह रुके थे, तो उधर सारा घुमा के लाते हैं भाई इन गाड़ियों में। तो सासनगीर में जो जंगल सफारी होती है ना, उसका लगभग 3200 रुपये लगता है भाई। तो हाँ टिकट नहीं, सारी लगा रहा हूँ जंगल सफारी का टिकट भी, और पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है 800 रुपये तब लगता है, तो 3200 रुपये लगता है, चाहे आप एक जना हो चाहे छः हो चाहे सात हो। तो अभी हम दो हैं, 1600 लगेगा, तो इस चक्कर में अभी हम इतना खर्च नहीं करना चाहते, अभी हमने काफ़ी ट्रैवल करना है ना, तो इसलिए नेक्स्ट टाइम कभी स्पेशल आएंगे फिर अच्छे से जंगल सफारी करेंगे। और वैसे भी अंदर जाके शेर चीते दिखने, वो शायद रास्ते में भी कहीं ना कहीं दिख ही जाए ना शाम तक कोई ना कोई। थोड़ी देर रुकने के बाद ना वहाँ से निकल चुके हैं भाई, और यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास भैया बता रहे थे होटल, होटल का नाम तो भूल गए हैं, बट भैया बोल रहे थे कि जो गाँव आएगा ना उसमें एक ही होटल है, वो वहाँ पर खाना खा लेना तो मिल ही जाएगा अगर एक है तो। छोटा सा गांव आया एक, यहाँ पर लिखा जय कोड़ियार होटल, तो यही वाला शायद होटल है।
तो ये वाला होटल था जो आपको मैं बता रहा था, भैया जी से बात हो गई, भैया जी बोले हाँ मैं ही था, मेरे पास ही भैया का कॉल आया था। ठीक है अभी बैठे हैं, खाना खाते हैं और फिर थोड़ी रेस्ट करके यहाँ से निकलेंगे। भाई पंखा चल रहा है तो यहाँ पर थोड़ा आराम सा मिला भाई। तो भाई इधर अपना दोपहर का खाना आ चुका, मतलब लंच। लंच में क्या क्या है, लंच में जी इधर जो सेव टमाटर होते हैं वो, और आलू बैंगन की सब्जी है, साथ में दाल है, साथ में पतली दाल है दूसरे वाली, ये मोटी चने की दाल है, चावल है, अम्बी है, रोटी है, पापड़ है, लस्सी है, और साथ में सलाद है, और साथ में ये ना गुड़ है। गर्मी है ना, गर्मी में गुड़ पिघल जाता है तो ऐसा देखने में हो जाता है, देखना ऐसा बन गया। साथ में अम्बी का अचार है भाई। खाना पीना खा लिया, बहुत ही अच्छा खाना था यहाँ पर, सादा काठियावाड़ी खाना, मज़ा आ गया। साथ में ठंडी ठंडी लस्सी थी तो और ज़्यादा मज़ा आ गया भाई, पेट को थोड़ी शांति सी मिली। थोड़ा 15-20 मिनट यहाँ पर आराम किया, फिर हमने सोचा भाई अपना सफ़र निकालते हैं। 45 या 46 ऐसा कुछ दिखा रहे हैं यहाँ से सोमनाथ, और जो गिर नेशनल पार्क है सासनगिर, वो यहाँ से 5.3 किलोमीटर दिखा रहा है भाई। यहाँ पर एक रास्ता राइट की तरफ जा रहा है, शायद देवाला करके कोई जगह है, ऐसा ही है, उधर जा रहा है। यहाँ पर फॉरेस्ट वालों की चेक पोस्ट भी बनी हुई है, देवालिया सफारी पार्क जाता है इधर। अभी यहाँ का जो टेम्परेचर है जी वो है जी 37 डिग्री सेल्सियस। अब आया एक अच्छा खासा गांव, गांव का नाम है जी हरिपुर, काफ़ी बड़ा है, चेक पोस्ट भी पुलिस वालों की यहाँ पर, और एक रास्ता सीधा गया गांव में, और ये सीधा हाईवे गया गिर की तरफ। ये तो भाई जगह जगह खड़ी हैं, ये ऐसी जिप्सी जंगल सफारी वाली, देखना इधर भी खड़ी है, गर्मी बड़ी खतरनाक हो गई है। तो यहाँ पर काफ़ी दुकानें हैं, यहाँ से पानी की बोतल लेते हैं भाई। इसे क्या बोलते हैं, सोडा, इधर शादी शादी, इधर का लोकल सोडा। तो भाई जैसा वो कंचे वाला होता है ना जिसमें एक कंचा लगा होता है, हमारे उधर भी होता है, इधर कुछ ऐसा है, पर ये प्लास्टिक का है। तो ओ भाई ऐसे क्या बोलता था वो, गैस 100% वाला लेमन वाला सिस्टम है, तो वो वाले इधर भी मिलते हैं भाई। गर्मी बहुत ज़्यादा, प्यास लगी थी, हमने फिर टेस्ट कर ले, वैसे भी इधर का है ना लोकल तो टेस्ट करना बनता है भाई। टेस्ट कैसा है, जैसे उधर हमारे खारा होता ना, बस गैस है और कुछ नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, टेस्ट लेस बोल सकते हैं। ये जो अभी हमने पिया ना टिकलू भाई, ये 5 रुपए का सारा है भाई, पर टेस्ट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है बीच में टेस्ट, 1% भी, सिर्फ गैस गैस है और पानी है बस, ऐसा थोड़ा ठंडा था। तो ठीक है 5 रुपए में यही मिलेगा और क्या मिलेगा, सही है ना। चलो अब डाउन है एकदम से, और आगे छोटी सी पहाड़ी दिख रही है, इधर एक हेलीपैड बना हुआ है भाई। गिर नेशनल पार्क आने वाला ना, तो आसपास ऐसे होटल शोटल काफ़ी हैं, इधर कुछ खेती है, बाग बगीचे हैं। ये भी जंगल सफारी वाली है, ये एक नदी आई है भाई, नदी का नाम है हिरन, HIRAN, और भाई इस नदी का पानी चल रहा है, कहाँ से आ रहा है, शायद पहाड़ों से आ रहा होगा, ये देखना। और यहाँ नीचे कुछ बच्चे ना फोटोग्राफी कर रहे हैं भाई, मतलब इनको डर ही नहीं है, भी पानी है, पानी के पास जंगली जानवर आएंगे, वहाँ से देखना दो तरफ से पानी आ रहा है। इधर सामने जी गिर आर्बोरेटम एंड बर्डिंग पॉइंट, पंछी वगैरह होंगे इधर, और भाई इधर एक नदी चल रही है साथ में नीचे, जो आपको मैंने नाम बताया भाई, नीचे कुछ बच्चे नहा रहे हैं उस नदी में, पानी ज़्यादा साफ नहीं है, नहीं तो हम भी जाके नहाते, जैसी गर्मी हो रखी है ना ऐसी गर्मी में नदी में नहाने का मज़ा ही अलग होता। दिन में गर्मी है ना, तो शायद दिन में जंगली जानवर इसी नदी के आसपास बैठ जाते होंगे। तो फाइनली आप सभी का गिर नेशनल पार्क के एरिए में स्वागत है भाई, फॉर गिर फॉरेस्ट सफारी परमिट बुकिंग, ये उनकी वेबसाइट है जहाँ से परमिट लेना पड़ता है पहले। मैंने सोचा भाई यहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं होगी, पर यहाँ तो कैंपिंग की भी बहुत ज़्यादा व्यवस्था थी, कल अगर आ जाते ना टाइम से तो अच्छा रहता। टिकलू भाई ये तो काफ़ी बड़ा है, हम तो छोटा सा सोच रहे थे, कल आ जाते तो कैंप इधर उधर लग ही जाता कहीं ना कहीं, है ना। दोपहर के 2 बज गए भाई, सासनगिर पहुँचते पहुँचते, गर्मी ने पूरे बट काट रखे हैं भाई, पूरी तगड़े वाली गर्मी हो रखी है ना। टिकलू भाई पानी पिए जा रहे हैं, फिर भी प्यास नहीं बुझ रही, पसीने आए जा रहे हैं,
ठीक है, बाकी कोई ना, शाम तक आराम से सोमनाथ पहुंच जाएंगे, फिर वहां जाके रेस्ट करेंगे, कल आपको सोमनाथ घुमाएंगे। तो अभी पानी शानी पीते हैं, थोड़ी देर यहाँ पर रुकते हैं, फिर चलते हैं, और आगे बड़े बड़े होटल आना शुरू हो चुके हैं भाई। ये ना चढ़ाई दिख रही है भाई, चढ़ाई क्रॉस करने के बाद, ये गिर क्रॉस करने के बाद ना कोई होटल देखते हैं, चाय पानी पियेंगे और मंजे वगैरह लगे हुए ना थोड़ी आराम करेंगे, थकावट बहुत ज़्यादा होने लगी है गर्मी के कारण ना, एनर्जी सी खत्म होती जा रही है। और इधर भाई जगह जगह ये जंगल सफारी वाली गाड़ियाँ मिलेंगी आपको, शायद जो इधर के लोकल है ना उनकी अपनी है, ये देखना कितनी अच्छी अच्छी है। गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बस ये थोड़ी सी चढ़ाई और रह गई है, और गर्मी में आपको पता साइकिल पे थोड़ी भी चढ़ाई हो ना बहुत ज़्यादा फील होती है। बस भाई यहाँ तक है ये गिर गांव भाई, और शायद ये मेन गेट है, नहीं ये तो कोई रेस्टोरेंट होटल है, सी सदन। एक मीटर वाली रेल लाइन है ना, एक मीटर गेज वाली, वो यहाँ से भी निकलती है इस जंगलों से। तो ये है जी गिर नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, यहाँ से एंट्री होती है भाई अंदर जाने की, अंदर जंगल सफारी करने की भाई। बाहर वो देखो वहाँ पर पर्ची वगैरह कटती क्या कुछ होता है। 2:15 का टाइम हो चुका भाई, और सामने सड़क के ऊपर लू चलती दिखाई दे रही है। तो ये था जी सासन गिर का एरिया, और गिर नेशनल पार्क और गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भाई, ठीक है। और एशियाटिक लाइन की टेरिटरी है भाई, एशियाटिक लाइन आपको इधर आम अपनी नॉर्मल अवस्था में मिल जाएंगे, जैसा वो नॉर्मल जंगलों में घूमते होते हैं ना वैसा। फिलहाल अभी गर्मी का टाइम है, रोड के ऊपर तो कोई भी दिखा नहीं है, रात को देखने को मिल जाते हैं शायद, दिन में तो मुश्किल ही है भाई। टिकलू भाई अगर कोई जगह मिली ना रुक जाना, आराम करेंगे, थक गए यार, खाना खाते निकल गए थे, वैसे भी तलाला 13 किलोमीटर है, उससे पहले जंगल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ कुछ ऐसा एरिया आ चुका भाई, इधर ये गन्ने की खेती है, सामने के ढाबा सा मिल गया यहाँ पर ना, थोड़ी देर बैठते हैं, गन्ने का जूस पीते हैं एक एक, और यहीं आराम करते हैं भाई। क्या गया गन्ने का जूस नहीं पिएगा, पी लेते ठंडा सा, तरबूज बाद में खा लेंगे यार। ठीक है भाई अब थोड़ा रास है महसूस हो रही है, पेड़ों की छाव है ना, तो यहाँ रुकते हैं, रेस्ट करते हैं आधा पौना घंटा, फिर चलेंगे, सफर अपना थोड़ा ही निकाल लेंगे। अपना रेडी हो चुका है जी, ठंडा ठंडा मसालेदार गन्ने का जूस, इसमें मसाला डालते हैं ना, पता नहीं कौन सा आमचूर सा होता है, वो टेस्ट को और भी बढ़ा देता है। ठीक है जूस पीते हैं फिर आराम करते हैं। तो भाई यहाँ पर लेटे हुए हैं, अभी थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ, नहीं तो टेम्परेचर बड़ा हाई हो चुका था, अभी हवा चल रही है, पेड़ की छाँव है, थोड़ा अच्छा अच्छा लग रहा है। टिकलू भाई तो थोड़ा सो लिए, मैं भी थोड़ी देर सो लेता हूँ, फिर चलेंगे। अब तो लगभग 10-15 किलोमीटर का जंगल और रह गया जो खतरनाक है, बाकी उसके बाद तो आराम से देख लेंगे। ओह टिकलू भाई भी तो मतलब उसके बाद कोई खतरा नहीं है जी, हम सोच रहे हैं आराम से निकलेंगे भाई, ठीक है ना, चाय पिएगा सो जा। 4 बज चुके हैं, टिकलू भाई बैठे, टिकलू भाई पीछे मौसम देख भाई, बारिश वाला मौसम हो चुका पूरा तगड़े वाला भाई, बारिश आ गई ना फिर सफर नहीं होगा, चाय पी के निकलते हैं, 4 बज चुके हैं, मौसम भी ठीक है ना, अगर वो बारिश इधर आ रही है पक्का लग रहा है मेरे को, चाय पी के निकलते हैं फिर जंगल क्रॉस करके, फिर कोई चक्कर नहीं है, फिर आराम से चलेंगे ना। आगे टिकलू भाई बादल पीछे पीछे हमारे, जल्दी चलो। तो भाई यहाँ देखो ये सारी जंगल सफारी वाली गाड़ियां, इधर पीछे पहाड़ है, पूरा बारिश वाला मौसम हो गया, बारिश हो रही है उधर जो पहाड़ है वो देखना इस रेंज पर, ये सारा जितना भी है, तो ये इधर आ रहे हैं, हमारी तरफ ही बढ़ते आ रहे हैं बादल, जल्दी जल्दी से निकलते हैं। इधर इस गिर के जंगलों में ना ऐसी छोटी छोटी काफ़ी नदियाँ आएंगी, पर ज़्यादातर सूखी मिलेंगी, वो जो एक दिखाई ना बस वही चलती मिली। उधर से ना जब गिर नेशनल पार्क में एंटर हुए थे, रास्ते में ऐसा गेट आया था ना, ऊपर शेर बना रखे, बब्बर शेर और मंकी वगैरह बना रखे हैं, अब यहाँ पर भी ये आ चुका है। यहाँ से अब ना गिर नेशनल पार्क धीरे धीरे ना खत्म होना शुरू हो जाएगा, इतने बड़े बड़े आम के बाग यहाँ तो यूपी में देखे हैं, या उसके बाद यहाँ देखे ना टिकलू भाई, बहुत बड़े बड़े बाग है भाई। ये वही रेलवे लाइन क्रॉसिंग आ गया, 1 मीटर वाली भाई, 1 मीटर गेज वाली, पर ट्रेन आती नहीं दिखी अभी तक, ना आवाज सुनाई दी। जब ना सुबह चले थे
तो यही डर था अभी जब मेन जंगल से निकलेंगे तो अगर शेर चीता कुछ भी आ गया तो कैसे करेंगे, बट अब सारा डर खत्म हो गया है ना, क्योंकि जब चलते हैं ना फिर डर लगना हट जाता है। तलाना एक सिटी आएगी, 8 किलोमीटर रह गई है बस, उससे पहले पहले जंगल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आम का बाग है, साथ में ना आम का जूस बेचने वाली दुकान है, कच्ची कच्ची अम्बी भी तोड़ रखी छोटी छोटी, और इधर नदी है, तो नदी का व्यू अच्छा बन रहा है, हमने सोचा पास जाके दिखा देते हैं। बाबा इस नदी का नाम क्या है, इसका नाम क्या है नदी का? हेरेन। अच्छा, वो मैं आपको पहले बताया था ना, हेरेन वही नदी है भाई, पर यहाँ पर काफी बड़ी है। ये पानी कहाँ से आता नदी का, कहाँ से आता पानी? अच्छा उधर से पानी आता, जंगल से। ओके ओके ठीक है, ये अभी तोड़ के लाए, खट जाता है। अच्छा हवा से गिर जाता वो वाली है। तो ये जो जूस है ये ताजी अम्बियों का है, अभी तो कच्ची है पर पक्की तो है नहीं है, पक्की है इधर है पक्की। अच्छा पक भी चुकी है। ओके ओके चलो ठीक है, क्या रेट है इधर? 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो ठीक है भाई, बढ़िया। चलो आपको पहले वो हिरन नदी दिखाते हैं। बाबा बोल रहे हैं देवरूपी नदी है भाई, कोई शेर चीता ही ना बैठा हो, शेर चीता क्यों निकल रहा, चीते इधर है नहीं है, लेपर्ड है। तो चलते हैं कोई रास्ता नीचे जाने का, देखते हैं पास से दिखाते हैं अच्छे तरीके से। चलो देख लो भाई, दबा नहीं रहा भाई, पत्ते पत्ते से भरे हैं, फिसलने का डर लगता है। तो भाई ये है जी ब्यूटीफुल सी काफी बड़ी नदी इधर की, उधर कैंपिंग करने की जगह अच्छी है भाई, पर डर तो वही है ना जंगली जानवरों का, क्योंकि भाई उधर देखो वो किनारा है ना, जो उस किनारे किनारे हरा हरा घास है, जैसे कश्मीर या लेह लद्दाख में होता भाई। तो वो सामने एक बांध सा बना हुआ है, वो देखो वहाँ कोई बच्चे भी जा रहे हैं, तो वहाँ से पानी उस बांध ने रोक रखा है, तो इस चक्कर में ना यहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा है भाई। बाबा जी से पता किया भाई यहाँ भी शेर आ जाते हैं कि नहीं? बाबा जी वो रहे आते हैं पानी पीने आते हैं, तो उनको पत्थर पुत्थर कुछ ना मारो तो वो कुछ नहीं कहते। बाबा जी ने आवाज लगाई, मीठा है भाई, मीठा भाई। तो अभी बाबा जी हमें ये कच्चा जो आम है वो दिया है, सही है, पानी पानी हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा खट्टा है, थोड़ा थोड़ा मीठा है, मिक्स है, बढ़िया। वहाँ साइकिल खड़ा कर दिया अपना, और भाई जहाँ पर बांध बना रखा है ना ये दिखाते हैं, काफ़ी लोग इकट्ठे हो रखे हैं, काफ़ी अच्छा है क्योंकि सारा पानी इकट्ठा हो रखा है ना ऊपर, तो कुछ लोग नहा रहे हैं, देखना ये बना रखा है यहाँ पर बांध। कैमरा देखते लोग खुश हो जाते हैं भाई, काफ़ी पानी है भाई, और जब बारिश का मौसम होता होगा ना तब पानी और ज़्यादा हो जाता होगा, ठीक है ना। अभी ना ट्रेन की आवाज आ रही है, बट जो रेल की लाइन है ना वो हमसे काफी दूर हो गई है, जब पहले पास थे तब होती ना फिर देख लेते भाई मीटर गेज वाली ट्रेन कैसी दिखती है। शाम के 5:05 का टाइम हो चुका भाई, तलाला पहुंचने वाले हैं, और भाई जंगल संगल वाला एरिया सारा खत्म हो चुका है, ये आम के बाग वगैरह ऐसा कुछ एरिया आ चुका है, पर यहाँ भी रात को शेर आ जाते हैं, दिन में तो कोई डर नहीं है, रात को आ जाते हैं। भैया पीछे मिलते बोल रहे थे, कल ही मैंने आगे देखा वो यहाँ पर आम भरने आए थे ना, वो भाई वो कहाँ से लड़ने लगी है, ये चोट मरवाएंगी, भागना पड़ेगा यहाँ से, भागो भागो। वो भाई इनका कोई पता नहीं है किधर को हो जाए। चलो भाई कहाँ रह गया था? पसीना पसीना हो गया था। अच्छा दिखना बंद हो गया, हाँ ऐसे ही होता है, ठीक है। चाय पिएगा? यहाँ से और कितना किलोमीटर है? 1-2 किलोमीटर ज्यादा नहीं है, चाय पानी पीते हैं फिर चलते हैं। अभी थोड़ी देर रुकने के बाद दोबारा से निकल गए, 5:30 का टाइम हो चुका है, हम डिसाइड कर रहे हैं अभी सोमनाथ पहुंचे या उससे पहले कैंपिंग कर ले, फिर हमने सोचा कि 7 बजे तक चलते हैं जब तक अंधेरा नहीं होता, पहुँच गए तो भी ठीक, नहीं तो उससे पहले कहीं भी कैंपिंग कर लेंगे, फिर तो थोड़ा बहुत ही रह जाएगा,
कल सुबह जल्दी, ओहो कल सुबह जल्दी पहुंच जाएंगे, फिर आराम से सोमनाथ दर्शन करेंगे, उसके बाद थोड़ा घूम फिर लेंगे। आलाला पहुंच गए भाई। ये भी इधर की ना काफी बड़ी सिटी है, एक तालुका है, और ये जो रास्ता है हमारा ये सीधा ही रहना है, कहीं भी मुड़ना नहीं है, ये सीधा ही जाएगा सोमनाथ। यहाँ आगे टी पॉइंट आ गया, लेफ्ट ऊना जम्मूवाड़ा और सीधा जाता है सोमनाथ की ओर। भाई यहाँ ना कोई प्रोग्राम है किसी मंदिर में शायद, देखना ऐसे गेट लगे हुए हैं। इधर ये मिर्च मंडी लगी हुई है, लाल मिर्च काफी देर से देख रहा हूँ और काफी आगे तक भी देखो, नाक में मिर्च की स्मेल जाती है अलग सी। तो तलाला लगभग खत्म होने वाला है, जब तक तलाला सिटी थी रास्ता अच्छा था टिकलू भाई, ये खत्म हुई है और साथ में लो भाई ये, लो भाई ये आ गया रास्ता फिर से भाई। अभी समुन्द्र की तरफ बढ़ रहे ना दोबारा फिर से, तो नारियल के पेड़ पौधे लंबे लंबे फिर से दिखने शुरू हो गए हैं। शाम के 6:15 का टाइम हो चुका है भाई, और ना सूर्य देवता धीरे धीरे अस्त होते जा रहे हैं, और ये जो रास्ता है ना इस पर लग नहीं रहा कोई होटल शोटल मिलेगा भाई, उम्मीद सी नहीं है। चाय पानी की है वो भी आसपास गांव के मिलते हैं, देखते हैं भाई स्टे होता है तो ठीक है, नहीं तो भाई सोमनाथ पहुंचना पड़ेगा। होटल लगवा रखा है का? ये जो हिरण नदी हमारे साथ साथ आ रही थी ना, दोबारा फिर हमें मिल गई है यहाँ पर। ये हिरेन रिवर का ब्रिज है भाई, देखना काफी अच्छी रिवर है इधर की भाई। अभी तक का ना गुजरात का सबसे हरा भरा एरिया यही मिला भाई। सात बजने वाला है, हमें वैसे उम्मीद नहीं थी कि हम सोमनाथ पहुंच जाएंगे, यहाँ से 5-6 किलोमीटर ही होगा ना टिकलू बस, और 5-6 किलोमीटर रह गया, वेरावल का एरिया शुरू हो चुका है और सामने हो रहा प्यारा सा सनसेट भाई। अभी भी थोड़ी सी रोशनी बची है भाई, मतलब थोड़ा बहुत अंधेरा हो ही जाएगा सोमनाथ पहुँचते पहुँचते, और जाके कोई रुकने की व्यवस्था भी करनी है। तो भाई आज काफ़ी किलोमीटर निकाला। हेलो सपने सब्सक्राइबर भैया मिले हैं भाई, हम समझ जाते हैं, अपनी YouTube फैमिली से भैया मिले हैं। अच्छा सर जी, बड़ा अच्छा लगा, क्या नाम है सर जी? रितेश मिश्रा। सोमनाथ से? नहीं मैं सूत्रा भाई। ठीक है सफाई में 15 किलोमीटर दूर है वहाँ। चलो बड़ा अच्छा लगा मिलकर, मैं समझ गया मैं अपने को YouTube फैमिली से भैया ही है, पता लग जाता, खुशी से पता लग जाता। ठीक है बड़ा अच्छा लगा मिलकर। तो अभी सोमनाथ कितने किलोमीटर रह गया? 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर। अच्छा 10-12 किलोमीटर, मैं सोच रहा 5-6 किलोमीटर रह गया, कोई ना पहुंच जाएंगे अब तो थोड़ा ही है। चलो आगे, चलो ठीक है सर जी से बातचीत करते हैं और फिर मिलते हैं आपको। वो सर जी की गाड़ी गई, सर जी हो रहे हैं 10 किलोमीटर बाद ना बाईपास है सोमनाथ वाला, वहाँ आपकी वेट करते हैं, वहाँ तक आ जाओ। तो भाई सामने बाईपास आ चुका, बाईपास हाईवे जो भैया बोल रहे थे वहां पर हम रुकेंगे, बड़ी जल्दी पहुंच गए भाई, स्पीड स्पीड में आए हैं ना। तो सर जी मिल चुके हैं दोबारा, ये सामने वेरावल जाता है, सामने वेरावल गया, इधर जाके सोमनाथ सिटी है। चलो ठीक है, ये वही वाला हाईवे आ गया जो सीधा जूनागढ़ से आता है ना, अगर हम बाहर बाहर से आते इसी हाईवे पर आते, पर वो दूर पड़ जाता, फिर सासनगिर भी रह जाता ना, तो सासनगिर का जंगल भी देखना था। तो सामने जी नेशनल हाईवे 51 जो आपको पहले भी दिखाया हुआ है, और सामने जा रहे हैं सर जी जो हमारे लिए लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर आगे कोई सिटी है वहाँ से आए हैं भाई। तो आप देख सकते हो ना गुजरात में कितना ज़्यादा प्यार मिल रहा है भाई, हमारे लिए इतनी दूर से आए स्पेशल, और ढूंढते ढूंढते उसी रोड पर जा रहे थे गिर वाले, गिर नेशनल पार्क वाले रास्ते पर। चलो भाई शाम का कुछ ऐसा माहौल है सोमनाथ के आसपास का, और सनसेट बिल्कुल अच्छे तरीके से हो चुका है भाई, अंधेरा हो चुका है, अभी सर जी के साथ साथ जा रहे हैं, आगे कोई रुकने की व्यवस्था है। 7:30 बज गए भाई सोमनाथ पहुंचते पहुंचते, और ये एक ब्रिज के ऊपर से सारे सोमनाथ सिटी का खूबसूरत नज़ारा है, और वैसे अंधेरा हो चुका है भाई। ये देखो समुंदर के किनारे आ गए ना, मतलब समुंदर के बिल्कुल पास, फिर वैसे ही मरी हुई मछली जैसी स्मेल होती है ना, वैसी स्मेल आने लगी है भाई। तो वो सामने है जी सोमनाथ का रेलवे स्टेशन।
सीधा रास्ता गया सोमनाथ सिटी की ओर और लेफ्ट जाता रास्ता सोमनाथ मंदिर की ओर। हम भी उधर ही जा रहे हैं सोमनाथ मंदिर की तरफ भाई। चल 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 इधर ही है। यहाँ का ये गेट बना हुआ भाई, एंट्री गेट देखना कितना अच्छा है। श्री सोमनाथ ट्रस्ट वेलकम्स यू, राम मंदिर पार्किंग फैसिलिटी, तो सोमनाथ ट्रस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता है भाई। अभी हम आज श्री सोमनाथ ट्रस्ट गेस्ट हाउस में, यहाँ पर हमें रूम मिला है 750 का वन डे के लिए भाई। तो अभी यहाँ पर कागजी कार्रवाई हो रही है, मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह जो कुछ होता है वो कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है। ठीक है, अभी चलते हैं जाके नहाते हैं, फिर मिलते हैं आपको। आई कार्ड ओके। रात के 8:18 का टाइम हो चुका, रूम हमें मिल चुका है भाई। रूम क्या मस्त, आपको दिखाते हैं भाई, यहाँ एड्रेस ही दिखाते हैं भाई, चेक करो भाई। ओ भाई साहब टिकलू भाई, रूम क्या रूम है ट्रस्ट का, इतना बड़ा रूम भाई, दो बेड। उधर क्या है, वॉशरूम? अच्छा उधर बालकनी है भाई, देखना यहाँ से नीचे का व्यू दिख रहा होगा। इधर से बालकनी है, रात का कुछ ऐसा माहौल है इधर का भाई। सुबह सुबह का व्यू मस्त होगा यहाँ का। फिलहाल जल्दी से सामान अंदर सारा रखते हैं, उसके बाद भाई नहाना है। सर जी हमारा नीचे वेट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं खाना खाने जाना है, इसलिए जल्दी से सामान रखते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, फिर चलते हैं भाई। इस रूम का किराया ना सर जी ने दिया, हमने बड़ा जोर लगाया पर सर जी बोले नहीं आप हमारे मेहमान हो तो यहाँ रहने की व्यवस्था हम करेंगे। तो सर जी ने 2 दिन यहाँ पर रुकने की हमारी व्यवस्था कर दिया, तो सर जी का तहे दिल से धन्यवाद। हमने बड़ी कोशिश की कि किराया हम देंगे पर सर जी नहीं माने, तो ठीक है सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी अभी ना नीचे बैठे हैं, वो बोल रहे हम बाहर रुके हैं, आप जल्दी से रेडी होके आओ। हमने बोला ऊपर आ जाओ रूम में बैठ जाना, सर जी बोले नहीं यहाँ पर ठंडी हवा चलती है तो बाहर आराम से हवा लेते हैं ठंडी ठंडी, तब तक आप रेडी होके आ जाओ। ठीक है फिलहाल जल्दी जल्दी नहाते हैं और फिर नीचे चलते हैं, और फिर सर जी से तो आप मिले हो, सर जी की मिसिस से भी आपको मिलाएंगे, ठीक है ना। तो भाई आज ना लगभग काफी सफर निकाला, कितना 70+ हो गया, 70 के आसपास निकाला और बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है, अभी तक पसीने आ रहे हैं। लो भाई नहा के दोनों भाई रेडी हो चुके हैं अच्छे तरीके से, अभी सर जी नीचे वेट कर रहे होंगे, वहां पर चलते हैं। चल टिकलू भाई हो गए रेडी, चले खाना पीना हो चुका, बढ़िया वाला खाना पीना खा के दोबारा आ चुके हैं अपने जहाँ पर रूम ले रखा है। तो टाइम कितना हो गया रात का? 10:30। रात के 10:30 का टाइम हो चुका, सर जी से आपको मिलवा दिया था, अब मैम से मिलाते हैं। तो मैम नमस्कार, आपको बड़ा अच्छा लगा आप सभी से मिलके, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए इतना कुछ करने के लिए। तो ठीक है सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओह थैंक यू सो मच सर। तो ठीक है मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा, जब कभी बाइक से आएंगे तो इकट्ठे घूमेंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का सफ़र, काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहा, मतलब उतना ज़्यादा भी नहीं, लगभग फिर भी ठीक ठीक रहा। तो इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।